हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं माइनर फाइलम जो है यूचिराइडिया के बारे में, कि यूचिराइडियंस क्या होते हैं और इनके अफेनिटीज और स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने माइनर फाइला के अंदर हमने टीनोफेरा, रोटीफेरा, एक्थेंटोसिफेला एंड सिपिनकुलाइडिया के बारे में पढ़ा था। ये आपका यूचिराइडिया के बारे में है, तो यूचिराइडिया क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली यूचिराइडिया इज अ फाइलम ऑफ वाइड और बल्बस वॉर्म्स लाइक मरीन एनिमल्स ऑफ अनसर्टन अफेनिटीज बट प्रोबेबली रिलेटेड टू द मेंबर ऑफ द फाइलम एनिलिडा। सो बेसिकली ये जो फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर्स हैं उनसे थोड़ा रिलेटेड होते हैं, एंड ये वाइड और बल्बस वॉर्म होते हैं और ये मरीन होते हैं लाइक जैसे सिपिनकुलाइडिया थे। दे डिफर फ्रॉम एनिलिडा बाई हैविंग अ सिंगल पेयर ऑफ किटी। इनमें जो सिंगल पेयर होता है किटी का, वही डिफरेंस होता है एनिलिडा से। एंड बाई बींग अनसिगमेंटेड वैन एडल्ट, ये जब अनसिगमेंटेड हो जाते हैं एडल्ट फॉर्म में, जबकि ये अर्लियर क्या होते हैं, अर्ली फॉर्म जब होता है, अर्ली होते हैं ये, अर्ली जो डेवलपमेंट होता है वो सिगमेंटेड होता है, बट आफ्टर बिकमिंग एडल्ट ये अनसिगमेंटेड हो जाती है, जो उनकी बॉडी होती है अनसिगमेंटेड हो जाती है। दीज वॉर्म हैव अनसिगमेंटेड बॉडी एंड दे लुक लाइक पीनट वॉर्म, ये ना पीनट वॉर्म की तरह ही दिखते हैं। फ़र्क इतना होता है कि इनमें नॉन रिट्रैक्टेबल नहीं होते हैं। ये जो उनमें हमने पढ़ा था ना कि उसमें जो एंटीरियर पोर्शन होता है जिसे हम इंट्रोवर्ट कहते थे, जिसमें जिसके टिप पे माउथ होता था सिपिनकुलाइडिया में, लेकिन यहाँ पे वो रिट्रैक्टेबल था, यानी वो रिट्रैक्ट हो जाता था अंदर के साइड, फिर वो पीनट की तरह बनाता था, पीनट शेप बनाता था, जबकि ये ऐसा इसमें नहीं है। इसमें ये नॉन रिट्रैक्टेबल होते हैं, यानी ये रिट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, एंड ये स्पून लाइक दिखते हैं, या फिर इनको जो फॉग्ड प्रोबेसिस होता है, जो प्रोबेसिस होता है स्पून लाइक होता है। सो यूचिराइडिया जो होते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, दिस दैट्स व्हाई मैंने करेक्ट इनकरेक्ट प्रोनाउंस किया था। ये यूचिराइडिया जो होते हैं, यूचिराइड्स जो होते हैं, इनहैबिट रॉक्स क्रेबिक्स, ये रॉक्स के दरारों में रहते हैं, एंड यू सेड बरोज एक्सकेवेटेड इन मड और सैंड, ये मड में बनाते हैं, बरो में, यू सेब्ड में, उसमें रहते हैं। वाटर इज़ पम्प थ्रू देर यू सेब्ड बरो, और ये जो वाटर होता है इसी यू सेब्ड बरो के थ्रू पम्प होता है, कॉजिंग फूड टू बी ट्रैप्ड इन द म्यूकस नेट, और ये जो वाटर है ये क्या करता है, ट्रैप करता है फूड को म्यूकस नेट में एट द ओपनिंग ऑफ द बरो, और जहाँ पे ओपनिंग होती है। स्केल वॉर्म एंड पी क्रैब आर कॉमेंसल ऑर्गेनिज्म दैट लीव इन द बरो विद दीज आर्म, जो स्केल वॉर्म होता है और ये क्रैब होते हैं, क्रैब आर कॉमेंसल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इनके साथ बरो में रहते हैं। इनमें जो स्विमिंग होती है ये इनमें जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल होती है, एंड जो इनकी बॉडी होती है सॉफ्ट बॉडी होती है, अनसिगमेंटेड होते हैं ये। अ लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोबेसिस प्रेजेंट होता है इसमें, प्रोबेसिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, और ये प्रोबेसिस का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, दे यूज़ प्रोबेसिस टू फीड, द प्रोबोसिस इज फाउंड फ्लैट, द प्रोबेसिस इज ऑफन फ्लैटेंड एंड फ्लेयर टूवर्ड्स द एंड, जो प्रोबेसिस होता है वो फ्लैटेंड होता है और जो एंड होता है इसका फ्लेयर्ड होता है। अ माउथ मस्कुलर गट एंड द पोस्टीरियर एनस, इसमें क्या होता है, एक माउथ पाया जाता है, मस्कुलर गट पाया जाता है, और एक पोस्टीरियर एनस भी होता है। अ नर्व रिंग अराउंड द फेरिंस एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इसमें ये भी प्रेजेंट होता है। इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन नहीं होता है, एंड जो सेक्सेस होती है वो सेपरेट होती है, एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है यूजली एक्सटर्नल होता है। देर आर 150 डिस्क्राइब्ड स्पीसीज बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दीज वेरी इन द लेंथ फ्रॉम ओनली अ फ्यू मिलीमीटर्स टू 50 सेंटीमीटर। सो बेसिकली
यहाँ इनमें ना जो 150 जो स्पीसीज हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं, और ये इनमें सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म बहुत होता है क्योंकि सेक्सेस सेपरेट होता है, तो मेल एंड फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आता है साइज़ के अकॉर्डिंग, लेंथ में, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इचिराइडिया में बोनेलिया आता है, बोनेलिया जो क्या होता है, वेयर द मेल इज़ वेरी स्मॉल, जो मेल होता है बहुत स्मॉल होता है एंड इन लेंथ देन फीमेल, लेंथ में फीमेल से बहुत स्मॉल होता है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने बताया था ये वाइड और बल्बस शेप के होते हैं, ये मेल का स्ट्रक्चर है और ये सीलिया पाया जा रहा है इनमें, ठीक है। यहाँ पे यही स्ट्रक्चर हमने इंटरनल पार्ट को शो करते हुए दिखाया है, मेल का ही है ये। यहाँ पे इंटेस्टाइन होता है, ओके, और रिप्रोडक्टिव अपर्चर यहाँ पे होता है, स्पर्म फॉर्मिंग सिलोमिक सेल्स यहाँ पे पाई जाती हैं, और इसमें सेमिनल जो होते हैं वेसिकल पाया जाता है, ठीक है। तो ये मेल जो होता है आप देख सकते हैं स्मॉलर इन साइज़ होता है देन द फीमेल। एंड अगर हम फीमेल की बात करें, ओके, फीमेल की बात करें तो देखते हैं किस तरीके से फीमेल का स्ट्रक्चर होता है। ये फीमेल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पे है ये, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की भी हम बात करेंगे। सो यहाँ पे मैंने बताया था स्पून या फॉग्ड शेप प्रोबेसिस होता है, ये आप देख सकते हो, ये प्रोबेसिस गटर है ये पतला सा जो दिख रहा है। बाकी ये फीमेल का स्ट्रक्चर और एनस जो होता है पोस्टीरियर होता है। चलिए इंटरनल की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोबेसिस होता है स्पून शेप या फॉग्ड शेप होता है, माउथ जो होता है इंटीरियर पार्ट होता है, और यहाँ पर फेरिंस पाया जाता है, ये फेरिंस है, यहाँ पे नर्व रिंग होती हैं और यहाँ नर्व कॉर्ड पाया जाता है, ये आपका गोनेड होते हैं, और यहाँ पे वेनल वेसिकल होता है, एक क्लोका भी होता है जो कि एक्सटीरियर पोस्टीरियर रीजन पे होता है, और इंटेस्टाइन यहाँ पे देख सकते हैं, इंटेस्टाइन जो होता है, हाँ ये इंटेस्टाइन यहाँ पे देख सकते हो जो कि डिफरेंस होता है जिसमें स्पिनकुलेटा में ही लूप बनाता था, यहाँ पे ये इंटेस्टाइन है ये पतला जो दिख रहा है। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ये बोनेलिया का स्ट्रक्चर था। सो बोनेलिया के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ये माइनर फाइला के अंदर आता है जो कि यूचिराइडिया में आता है, तो इट बिलोंग्स टू फाइलम यूचिराइडिया एंड इसमें सिगमेंटेशन होता है, सिगमेंटेशन सिलोमेट पाया जाता है और बायलेट्रिकल सिमेट्री होती है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था। जीनस है बोनेलिया हमने पढ़ा था, ओके। इट इज़ फाउंड इटली, ये इटली में पाया जाता है, पैसिफिक कोस्ट में पाया जाता है, और बोनेलिया जो होते हैं ये मेरीन होते हैं और बरोइंग इकाइनोइड होते हैं, जो हमने ऑलरेडी इकोनाइडिया में करेक्टर पढ़ा था। इट लाइज बरीड इन द मड और इट एग्जिबिट वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ डायमॉर्फिज्म विद अ जायंट फीमेल एंड ड्रॉफ मेल विदाउट सिगमेंटेशन, जैसे साइज़ के अकॉर्डिंग इसको जायंट बोला गया, मतलब बहुत बड़ी साइज़ की होती है फीमेल, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है इनमें। बॉडी डिविजिबल इंटीरियर प्रोबेसिस एंड द पोस्टीरियर ट्रंक, ओके। फीमेल इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग अवाइड एंड शेप एंड ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल बोनेलिन। बोनेलिन जो होता है एक पिगमेंट की वजह से जो फीमेल का कलर होता है वो ग्रीन होता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ हेड इज पेक्यूलियर एंड द प्रोबेसिस इज वेरी मच एलोंगेटेड फॉर्मिंग लॉन्ग स्पेचुलेट इन फ्रंट ऑफ द माउथ। माउथ जो होते हैं वेरी मच एलोंगेटेड होती हैं, तो प्रोबेसिस बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड होती है, स्पून से होते हैं, और ये स्पेचुलेट बनाती हैं जो कि इन फ्रंट ऑफ माउथ होता है। द माउथ इज फाउंड एट द बेस ऑफ द प्रोबेसिस, जो माउथ होता है बेस ऑफ द प्रोबेसिस पे होता है, एंड द एनस एट द अपोजिट, एनस जो होता है पोस्टीरियर साइड होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ एनल वेसिकल वन और टू नेफ्रीडिया विच एक्ट एज अ गोनोडक्ट, ठीक है। देर इज़ अ क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, मेल इज़ वेरी स्मॉल ट्यूबेरिलियन लाइक सीरिएटेड एंड विद प्रोबेसिस, इट हैज़ रिप्रोडक्टिव अपर्चर, स्पर्म फॉर्मिंग सिलोमिक सेल्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इसमें जो ये मेल की बात की गई तो मेल बहुत स्मॉल होते हैं एंड ट्यूबरेलेरियन लाइक होते हैं, टर्बिलेरियन लाइक होते हैं और सीलिएटेड होते हैं, और इसमें प्रोबेसिस होता है एंड रिप्रोडक्टिव अपर्चर पाया जाता है, स्पर्म फॉर्मिंग सिलोमिक सेल्स होती हैं,
सेमिनल वेसिकल्स होती है एंड इंटेस्टाइन होती है, और फर्टिलाइजेशन जनरली इंटरनल होता है. सो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपका बोनेलिया के बारे में था, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया. अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड येस, मैंने यहाँ पे एक सेक्शन छोड़ दिया था, वो है एफिनिटीज़ विद एनिडीडा. एफिनिटीज़ तो हमने देखा ही नहीं था, सो ये कंटिन्यू कर लेते हैं, देन आपकी वीडियो ख़त्म हो जाएगी. सो एफिनिटीज़ विद एनिडीडा की बात करें तो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है विद एनिडीडा. सो दे सीम टू बी क्लोजली रिलेटेड टू एनिलिड्स बिकॉज दे शो सिगमेंटेशन ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज बट नॉट एज एन एडल्ट. मैंने बताया था अर्ली स्टेज में ये सिगमेंटेशन शो करते जैसे लार्वल स्टेज में, एंड फीड विद प्रोबेसिस, ये सिमिलैरिटीज होती हैं. इकाइडेंस जो होता है, इकाइडेंस में इंटेस्टाइन जो होती है लॉन्ग होती है एंड कोइल्ड होती है. डिसिमिलैरिटीज़ की बात करें, सिंगल पेयर ऑफ किटी होती है यूकेराइडिया में, ये चिराइडिया में, एंड अनसिगमेंटेड बॉडी इन एडल्ट होती है. तो ये डिफरेंसेस होता है. सो आई होप आपको क्लियर होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी. थैंक यू.